अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लाल लोबिया के कबाब। ये देखें, ये लाल लोबिया होती है ना, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। थोड़ा सा हाफ टी स्पून सोडा डाल के, खाने का सोडा डाल के मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। फिर उसके बाद अब मैंने इसके जो जिस पानी में ये भिगोएंगे, वो जो सोडे वाला पानी जो है उसको हम फेंक देंगे। उसके बाद फिर मैं कुकर में इसको गलाऊंगी। ये कुकर है, कुकर के अंदर ये सारे लोबिया डाल के, 1 लीटर पानी डाल के, और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको मैं गलाऊंगी तकरीबन 15 मिनट। विसल बजने के बाद टाइम हम देखेंगे, 15 मिनट तक हम इसे गलाएंगे। जब ये बिल्कुल गल जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी इसके आगे क्या करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने कुकर में रखा था गलने के लिए लोबिया, ये गल चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखें आप, ये देखें कितने सॉफ्ट हो गई है। इतनी गलानी है आप लोग को ताकि पीसने में आसानी हो। ये तकरीबन मैंने 1 पाव ली थी लोबिया, इसको मैंने गला लिया है। अब मैं ये कुछ हरे मसाले, अब ये कुछ मैं हरे मसाले जो हैं ये चॉपर में डाल के पीसूंगी। इसमें है 3 टेबल स्पून हरी धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना, ये 4 जो है हरी मिर्चें लिए हैं इस पीस इसमें काट दिए, और 1 स्लाइस लिया है ब्रेड का, उसको पानी में भिगो के इसका पानी ऐसे स्क्वीज कर लिया, निचोड़ लिया। अब ये सारी चीज़ें मैं चॉपर में डाल के और इसको चॉप करूँगी। ये सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। जब ये चॉप हो गए तो इसके बाद मैं इसमें लोबिया डालूँगी। ये 2 दफ़ा में आएगा इसलिए कि मेरा चॉपर जो है वो छोटा है, बड़े चॉपर मिर्चे की झार लग गई, ये जो है बड़ा चॉपर होगा तो पूरी लोबिया एक साथ आ जाएंगी। ये लोबिया डालेंगे, इसको भी इसके साथ चॉप करेंगे। ये देखिए, ये चॉपर में मैंने सब पीस लिया, सारा हरा मसाला और जो लाल लोबिया था। अब इसके अंदर मैं ये पीसने के बाद, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ टी स्पून नमक और डाला है। ये फिर 4 टेबल स्पून डालूंगी बेसन, फिर इसमें डलेगा हाफ टी स्पून सॉल्ट, इसलिए कि लोबिया को गलाते वक्त कुकर में मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था उसके साथ, तो लिहाजा थोड़ा सा हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टी स्पून पिसा हुआ जीरा, कुटा पिसा जीरा होता है ना वो, ये सब डाल के इन सबको मिक्स करेंगे हम। वो सब मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और तकरीबन हाफ लेमन जो है ये निचोड़ूंगी मैं इसमें। बनाएंगे इस तरह जिस तरह कबाब का शेप देते। उसके बाद मैं इसे अंडे में डिप किया, अंडे में डिप करने के बाद इसमें ब्रेड क्रम्स लगाया, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको शेप सही किया। हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, और इसको ये शेप दे के अब मैं इसे ऑयल में डालूंगी। ये देखिए, ये शैलो फ्राई करेंगे इसको। ये शैलो फ्राई हो रहे हैं, ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है, ना टूट रहे हैं ना कुछ, अंडा लगा लिया ना ऊपर से। और इनको शैलो फ्राई करेंगे इसी तरह जिस तरह ये मैंने ये दो करके आपको बताए हैं कि पहले उसकी टिकिया बनाई, उसके बाद अंडा फेंट के उसमें डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाया, और फिर इसके बाद ये शैलो फ्राई कर दिया। इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये कबाब रेडी हो गए हैं लाल लोबिया के। देखने से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये कीमे के बने हुए शामी कबाब हैं। लाल लोबिया के कबाब बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी से लाल लोबिया के कबाब बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कबाब इस रेसिपी से बना के लाल लोबिया के कैसे लगे। और मेरे चैनल को अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।